सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है तभी से बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में होने वाले ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलासे हुए तो फिर एक्टर्स का नाम सामने आना शुरू हो गया। सुशांत केस से जुड़े लोगों, रिया चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर्स आदि ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया। अब एनसीबी के रडार पर इस समय 50 बॉलीवुड सेलिब्स हैं। एनसीबी की जांच को लेकर कहा जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने समन भेजा है। क्षितिज को आज हाजिर होने के लिए समन दिया गया है, लेकिन वो कल यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए आएंगे। क्षितिज इस समय दिल्ली में है। शुक्रवार को क्षितिज सुबह 11 बजे एनसीबी के सामने हाजिर होंगे। एनसीबी की जांच में ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाता और रकुल प्रीत सिंह के नाम जया सहा ने बताए थे। जया ने ही दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम भी बताया था। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम भी शामिल है। इन दोनों को घर पर जाकर एनसीबी ने समन दिया है। दोनों से ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। इन दोनों का नाम रिया चक्रवर्ती और कुछ ड्रग पेडलर्स ने भी लिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह से एनसीबी अधिकारियों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की है। वहीं रकुल ने एनसीबी के फोन का रिस्पांस भी नहीं दिया है। एनसीबी के अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने कहा है कि रकुल प्रीत सिंह को समन दिया गया था और उन्हें कई प्लेटफॉर्म्स पर संपर्क भी किया गया था, इसमें फोन भी शामिल है, और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। रकुल अपने फोन को नहीं उठा रही। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से रकुल इन दिनों हैदराबाद में है। एनसीबी की तरफ से यह औपचारिक बयान दिया गया है कि रकुल प्रीत सिंह को ड्रग्स मामले में समन दिया गया था, लेकिन रकुल उपलब्ध नहीं है और ना ही किसी तरह का जवाब उन्होंने जांच एजेंसी को दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी का समन मिलने के बाद दीपिका पादुकोण आज दोपहर गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस में टॉप लिस्ट में शामिल दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स मामले में आने के बाद अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। गोवा एयरपोर्ट पर CISF के मुताबिक दीपिका पादुकोण आज दोपहर करीब 12:30 बजे गोवा से चार्टर प्लेन से रवाना हुई। एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट के लिए CISF को अलर्ट जारी किया गया है। ये प्लेन हैदराबाद से आएगा, गोवा से दीपिका पादुकोण को पिक करके उन्हें मुंबई छोड़ेगा। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण इन सभी के घर पर एनसीबी पहुंच गई है। जल्द ही इनसे पूछताछ होगी और उसकी भी हर अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।